वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। इस मूवी में आप कहानी देखेंगे एक अंधी लड़की की, जिसके घर में घुस जाते हैं कुछ खूंखार लुटेरे। अब अपने आप को और अपने घर को कैसे बचा पाएगी वो लड़की। कहानी की शुरुआत में हम सोफी स्कॉट को देखते हैं। सोफी एक बहुत अच्छी स्कीम प्लेयर होती है, पर सोफी को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज संभव नहीं था। उस बीमारी के वजह से उसकी आँखों की रोशनी भी चली जाती है। सोफी का ओलंपियन बनने का सपना भी टूट जाता है। सोफी अमीर लोगों के घर से बाहर जाने पर उनके घर और जानवरों का ख्याल रखने का काम करती थी। आज भी सोफी काम पर जा रही होती है। सोफी की मॉम पूछने लगती हैं कि तुम्हारे पास $4200 कहाँ से आए। सोफी कहती है, मुझे काम करने की पेमेंट मिली है। उसकी मॉम कहती है, ये तुम्हारी पेमेंट का 3 गुना है। इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, कहीं तुम कुछ गलत काम तो नहीं करती। सोफी कहती है, मैं जिन घरों का ख्याल रखती हूँ वो लोग मुझे सैलरी के साथ टिप भी देते हैं। तब तक सोफी की टैक्सी भी आ जाती है। वो टैक्सी में बैठकर अपने काम के लिए जाने लगती है। जिस घर में उसे जाना था वो शहर से काफी दूर था। सोफी अपनी लोकेशन पर पहुँच गई होती है। हाउस की ओनर उसे रिसीव करने आती है। ओनर का नाम होता है डेबरा। वो सोफी को घर का सिक्योरिटी कोड बताती हैं। उसे बताती है कि अभी अभी मेरा डिवोर्स हुआ है। मैंने उससे प्यार के लिए शादी की थी, पर उसे मुझसे प्यार नहीं था। हमें अलग तो होना ही था। वो कहती है, मेरी कैट का ख्याल रखना। डेबरा यहाँ से चली जाती है। सोफी कैट के गले में एक डिवाइस लगा देती है, जिससे उसे उसकी लोकेशन के बारे में पता चल सके। वो अपने फ्रेंड कैम को फोन लगाती है। उसे वीडियो कॉल पर पूरा घर दिखाती है। कैम वीडियो कॉल पर देखकर उसे घर की लोकेशन समझा रहा था कि हॉल कहाँ पर है, रूम्स कहाँ पर है, किचन कहाँ पर है। ऐसे ही करते हुए सोफी एक रूम के अंदर आती है जहाँ वाइन्स की बोतल रखी थी। सोफी उसका रेट पूछती है। वो बताता है $4500। सोफी बोतल चुरा रही होती है, पर कैम उसे रोक रहा होता है। सोफी जिन भी घरों में काम किया करती थी वहाँ से वाइन्स की बोतल को चुरा लेती थी और कैम की मदद से उसे कम रेट पर बेच दिया करती थी। कैम उसे कहता है, बोतल वापस रख दो वरना हमारी दोस्ती खत्म। सोफी भी गुस्सा होकर फोन काट देती है। सोफी घर में घूम रही थी, घर की ओनर डेबरा का फोन आता है। वो पूछती है, तुमने घर का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन किया। सोफी कहती है, मैं करने ही वाली हूँ। वो कहती है, अभी ऑन कर दो जिससे मुझे चिंता ना हो। सोफी सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर देती है। सोफी स्मोक करने के लिए बाहर आई होती है। बाहर आते ही उसे गेट लॉक होने की आवाज आती है। वो बहुत कोशिश करती है पर गेट नहीं खुलता है। एक ऐप डाउनलोड करती है जिसका नाम होता है सी फॉर मी। वो ऐप आपको कुछ ऐसे वॉलंटियर से कनेक्ट कराता है जो वीडियो कॉल के जरिए अंधे लोगों की मदद कर सकते हैं। सोफी का कॉल एक कैली नाम की लड़की से कनेक्ट होता है जो एक गेमर होती है। सोफी उसे सिचुएशन के बारे में बताती है। कैली कहती है, हमें कोई ऐसा दरवाजा या विंडो देखनी होगी जो खुली रह गई हो। कैली उसे गाइड करने लगती है। सोफी एक दरवाजे तक पहुंच जाती है। वो स्लाइडिंग डोर होता है। कैली कहती है, तुम दोनों हाथों से ताकत लगाओ, गेट खुल जाएगा। उसका गेट खुल जाता है। कैली को थैंक यू कहती है। रात हो जाती है। सोफी अपने कमरे में सो रही होती है। उसके घर के आगे एक कार रुकती है। एक आदमी मेन गेट खोल लेता है। अंदर आते ही वो सिक्योरिटी सिस्टम को ऑफ कर देता है। अपने दूसरे साथी को भी अंदर बुला लेता है। बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। सोफी की आंख खुल जाती है। दोनों चोर अपने डिवाइस को सेट कर रहे होते हैं। सोफी को यकीन हो जाता है बाहर कोई है। चेक करने के लिए अपने रूम से बाहर आने लगती है। चोर दीवार से पेंटिंग हटा रहा होता है क्योंकि उसके पीछे तिजोरी होती है। सोफी अपने मोबाइल के जरिए कैट को ढूंढ रही होती है। कैट का अलार्म चोर भी सुन लेता है। चोर भी आवाज को फॉलो करने लगता है। उसे कैट मिल जाती है। नीचे दूसरा चोर तिजोरी के ऊपर लगी विंडो को हटा देता है। अपनी ड्रिल मशीन ऑन करता है। सोफी घबराने लगती है। अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर पुलिस को फोन कर देती है। उन्हें अपनी लोकेशन बता देती है। मैं देख नहीं सकती, पर आवाज से पता चला है वो दो लोग हैं। इंस्पेक्टर बोलती है कि आपका घर थोड़ा दूर है, इसलिए पहुंचने में हमें थोड़ा समय लगेगा। वो अपने
अपने दोस्त कैम को फोन करती है पर वो फोन उठा नहीं पाता। सोफी उसी ऐप के जरिए कैली को फोन करती है, उसे बताती है घर में कुछ लुटेरे घुस आए हैं। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। चोर को सोफी के कपड़े दिख जाते हैं। सोफी भी घर से निकलना चाहती थी, वो अपने रूम से बाहर आ जाती है। वीडियो कॉल के जरिए कैली उसे गाइड कर रही होती है। सोफी कहती है मुझे पता है मेन गेट कहाँ है। वो मेन गेट की तरफ जाने लगती है, कैली उसे रोक रही होती है। पहला चोर दूसरे के पास आ जाता है, अपने बॉस को कॉल करके बताता है घर में कोई है। बॉस कहता है घर का एक एक कोना ढूंढ डालो। दूसरे आदमी से कहता है तुम ड्रिलिंग चालू रखो। सोफी कहती है मैं गेट की तरफ जा रही हूँ। कैली उसे रोक रही होती है, वो भागना शुरू कर देती है। वो तीसरे चोर से टकरा जाती है, फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। चोर ने सोफी को पकड़ा होता है, उसके दोनों साथी वहाँ पर आ जाते हैं। एक चोर उसका फोन चेक करता है, अपने बॉस को बताता है इस लड़की ने 12 मिनट पहले पुलिस को फोन कर दिया है। बॉस कहता है लड़की को छोड़ दो। जिस चोर ने उसे पकड़ा होता है वो कहता है हमें इसे मारना होगा, इसने हमारे चेहरे देख लिए हैं। सोफी कहती है मैंने कुछ नहीं देखा, मैं अंधी हूँ। चोर सोफी की आईडी अपने बॉस को दिखाते हैं, वो इंटरनेट पर चेक करता है तो उसे पता चल जाता है सोफी सच बोल रही है। बॉस अपने आदमियों से कहता है सामान बांधो और वहाँ से निकलो। जिसने सोफी को पकड़ा होता है वो कहता है अगर हम यहाँ से गए तो हम $7 million गंवा देंगे। सोफी कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं पुलिस को वापस भेज दूंगी पर बदले में मुझे भी पैसों में हिस्सा चाहिए। बॉस उसको 5% देने का वादा करता है। वो लोग पुलिस को फोन करते हैं। सोफी उन्हें कहती है मैंने पहले जो रिपोर्ट लिखवाई थी वो एक गलत फहमी थी, घर में कोई नहीं है। सामने वाली लेडी कहती है अगर सब कुछ ठीक है तो उसे कंफर्म करने के लिए एक ऑफिसर आएगा। बॉस सोफी से कहता है कि तुम्हें पुलिस को संभालना होगा, अपने आदमियों से कहता है सारे इक्विपमेंट्स पैक कर दो। इधर कैली पुलिस को फोन करके सोफी के बारे में बताती है, कहती है उसके घर पर 3 आदमी घुस आए हैं। एक लेडी ऑफिसर आती है, वो सोफी का डोर नॉक करती है। सोफी गेट नहीं खोलती, उन्हें बताती है मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैंने कॉल कर बता दिया है। ऑफिसर कहती है तुम गेट खोलो, मैं बिना चेकिंग किए यहाँ से वापस नहीं जाने वाली। इंस्पेक्टर घर के अंदर आ जाती हैं, वो चेकिंग शुरू कर देती हैं। सोफी कहती है मुझसे टीवी ऑन रह गया था, मुझे उसी की आवाज आई थी। ऑफिसर फिर भी चेकिंग चालू रखती हैं। इंस्पेक्टर एक सर्किट बोर्ड देखती हैं जो खुला होता है, वो कहती है यहाँ पर आग का खतरा हो सकता है। सोफी कहती है मैं डेबरा को इसके बारे में बता दूंगी। इंस्पेक्टर घर से जाने लगती हैं। जाते जाते सोफी से पूछती हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में कोई छुपा हो, वो तुम्हें डरा कर तुमसे झूठ बुलवा रहा हो। सोफी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। इंस्पेक्टर जाने लगती हैं। तभी इंस्पेक्टर के वायरलेस पर दूसरा पुलिस वाला मैसेज देता है, कहता है हमें फ्लोरिडा से एक लड़की ने बताया कि उस अंधी लड़की के घर पर 3 लुटेरे घुस गए हैं, 3 में से एक आदमी को उस लड़की ने वीडियो कॉल पर देखा है। इंस्पेक्टर तुरंत अपनी गन निकालकर सोफी से कहती है पीछे रहो। पहला चोर इंस्पेक्टर के सामने आ जाता है, कहता है घर में बस मैं अकेला ही हूँ। इंस्पेक्टर उसे हथकड़ी लगाकर बैकअप बुला लेती है। तभी इंस्पेक्टर के ऊपर एक चोर हमला कर देता है जिसने सोफी को पकड़ा था। इंस्पेक्टर उससे लड़ने लगती है पर वो उनके गले में एक तार डालकर उनका गला घोटने लगता है। इंस्पेक्टर भी मर जाती है। तीनों देखते हैं सोफी यहाँ पर नहीं होती है, सोफी को ढूंढने में लग जाते हैं। सोफी कैली को फोन करके बताती है कि उन्होंने इंस्पेक्टर को मार दिया है। सोफी के पास उसकी गन होती है। सोफी पौधे से टकराकर नीचे गिर जाती है। पहले चोर को कुछ आवाज आती है, हाथ में चाकू लेकर आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। सोफी कहती है कोई आ रहा है, मुझे जूतों की आवाज आ रही है। कैली कहती है गन आगे की तरफ करो, उसमें एक नॉब होगा, वो नीचे है या ऊपर। सोफी कहती है नीचे, वो कहती है ठीक है, मतलब सेफ्टी ऑफ है। चोर उसके सामने आ गया होता है, कैली कहती है अभी। सोफी उसे गन पॉइंट पर लेती है, कैली उसे सही डायरेक्शन बताती है। कैली कहती है मेरे इशारे पर गोली चलाना, वो कहती है अभी, पर सोफी गोली नहीं चलाती। सोफी कहती है मेरे
पास मत आओ। कैली उसे कहती है उसके हाथ में चाकू है, गोली चलाओ। सोफी घबरा रही होती है। वो आदमी सोफी की तरफ आने लगता है। सोफी तुरंत गोली चला देती है। पहला चोर मारा जाता है। ड्रिलिंग करने वाले चोर को कुछ आवाज नहीं आती है, पर दूसरा घर की तरफ भागता है। वो सोफी को ढूंढने लगता है। वो एक रूम का गेट खोलता है। सोफी उसके बगल वाले रूम से बाहर आती है। कैली तुरंत कहती है फायर। वो गोली चला देती है। उसके फोन का नेटवर्क चला जाता है। चोर उस पर हमला शुरू कर देता है। सोफी पीछे पीछे आती है। उसके फोन में नेटवर्क आ जाता है। कैली उसे कहती है थोड़ा ऊपर करो और फायर। सोफी उसको 3 गोलियां मारती है। चोर वहीं पर मर जाता है। कैली कहती है उसका रेडियो ले लो। सोफी से कहती है तुम आराम से सांस लो, जैसा तुम स्कीइंग करने से पहले लेती हो। सोफी कहती है तुम्हें स्कीइंग के बारे में कैसे पता चला। वो कहती है तुम अंडर 18 में देश के टॉप 10 प्लेयर में से एक हो, ये बहुत बड़ी बात है। सोफी कहती है तुम ऐसे बात करती हो जैसे तुम आर्मी में हो। तब वो अपने यूनिट का नाम बताती है। कैली एक आर्मी ऑफिसर थी। तभी उसे गन और अटैक के बारे में पूरी नॉलेज होती है। सोफी उसे बता देती है कि मैं चोरों के साथ मिल गई थी, मैंने उनसे हिस्सा मांगा था, मुझे इस जॉब पर नहीं होना था, काश मैं स्कीइंग कर सकती। कैली कहती है अंधे लोग भी तो स्कीइंग कर सकते हैं। वो कहती है हाँ कर सकते हैं, बस सालों की ट्रेनिंग और एक भरोसेमंद साथी चाहिए। चोर ने भी तिजोरी को खोल लिया होता है। वो अपने दोस्तों को बुला रहा होता है। सोफी के फोन की बैटरी भी खत्म होने वाली थी, वो ऊपर आ गई थी। कैली उसे गाइड करती है। वो उस चोर के पीछे आ जाती है। जैसे ही सोफी गोली चलाती है वो साइड हो जाता है। कैली उसे गोली चलाने के लिए कह रही होती है। वो चोर कहता है प्लीज रुक जाओ। कैली कहती है बैटरी खत्म होने वाली है। सोफी का फोन बंद हो जाता है, कनेक्शन टूट जाता है। चोर अलमारी से कुछ पैसे ले लेता है, कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बचा हुआ तुम रख लेना। सोफी उसे रोक रही होती है। चोर को पुलिस ऑफिसर की इलेक्ट्रिक गन दिखती है। वो ऑफिसर की गन निकालता है, पर आवाज सुनते ही सोफी गोली चला देती है। तीसरा चोर भी मारा जाता है। उन तीनों का बॉस घर के अंदर आता है। अंदर आते ही उसे तीनों लाशें दिखती हैं। वो तिजोरी के पास जाता है, कहता है सोफी तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए तो मेरे पास आकर ले लो। बॉस घर की ओनर डेबरा का एक्स हस्बैंड होता है। इस तिजोरी के बारे में डेबरा को भी नहीं पता होता है। वो कहता है सोफी मैं तुम्हें 2 मिलियन डॉलर्स दूंगा, तुम मेरे साथ हो या नहीं। सोफी घर की सभी लाइट्स बंद कर देती है। वो कहता है मुझे जवाब मिल गया, तुम मेरे साथ नहीं हो। वो बंदूक निकालकर सोफी को ढूंढना शुरू कर देता है। सोफी की मदद के लिए इस बार कैली भी नहीं थी। सोफी उससे छुपते हुए किचन में आ गई थी। सोफी जब वहां से निकल कर जाने लगती है वो उसे देख लेता है, गोली चला देता है। सोफी के पैर पर एक गोली लग भी जाती है। सोफी उस जगह से हटकर मरे हुए चोर के पास आ जाती है। वो उसका मोबाइल निकालकर लास्ट डायल किए हुए नंबर पर कॉल करती है, जो नंबर बॉस का होता है। बॉस का फोन बजने लगता है, वो सोफी के पीछे ही होता है। सोफी लगातार उस पर गोली चला देती है। बॉस मर गया सोचकर सोफी घर से बाहर निकलने लगती है। वो जिंदा होता है, पकड़कर सोफी का गला दबाने लगता है। सोफी के हाथ में चोर का वायरलेस होता है। वो उससे बॉस के सर पर मारती है, फिर बिना रुके उसके सर पर मारती ही रहती है। बॉस की मृत्यु हो जाती है। सोफी भी बेहोश हो जाती है। उसे होश आता है, तब हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो रही होती है। वो 4 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी। अपनी मॉम को बताती है कि मैंने पैरालंपिक्स ज्वाइन करने का फैसला किया है, मुझे अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। उसकी मॉम इस फैसले से बहुत खुश होती हैं, कहती हैं हमें नई स्कीज खरीदनी होगी, ट्रेनिंग का खर्चा भी एडजस्ट करना होगा। सोफी मुस्कुराते हुए अपने बैग को पकड़ती है। उसने घर से निकलते वक्त कुछ पैसे साथ में ले लिए थे। सोफी ट्रेनिंग पर पहुंचकर कैली को फोन करती है। सोफी की मदद के लिए उसका फ्रेंड कैम आया होता है। दोनों स्कीइंग शुरू करते हैं। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।